सेगमेंटल मोटिलिटी एंड पेरिस्टाल्सिस स्मॉल इंटेस्टीन में होती है, एंड सिमिलरली लार्ज इंटेस्टीन की जो पैटर्न ऑफ मोटिलिटी है सेगमेंटल है एंड प्रोपल्सिव है। सेगमेंटल हॉस्ट्रेशंस कहलाई जाती थी। क्यों होती थी हॉस्ट्रेशंस? अगर आपको याद हो जो टीनिया को लाए होते थे सेगमेंटल जो ट्रांसवर्स बैंड होते थे लॉन्गिट्यूडनल मसल के, उनमें जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती थी कोई कॉन्ट्रेक्टाइल वेव जनरेट होती थी जी आई टी में, देन द टेंशन जनरेट होता था लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स में, ओके जो टीनिया को लाए कहे जाते हैं, तो उसकी वजह से हॉस्ट्रेशंस डेवलप हो जाते हैं, पॉकेट्स डेवलप हो जाते हैं एंड दे आर वेरी वेरी स्लो मोटिलिटी सेगमेंटल हॉस्ट्रेशंस, ओके मिक्सिंग मोटिलिटी। और एक ऐसी प्रोपल्सिव मोटिलिटी पेरिस्टाल्सिस है ना, जैसे कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, स्टमक में फूड आया कोलॉन तक पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी चली गई, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, ओके तो उसको मास मूवमेंट्स बोलते हैं, ओके तो ये मैं आपको पिछले में खासे 3 टर्म से ये चीजें समझाता चला आ रहा हूँ, तो दैट इज आई थॉट दैट द रिवीजन टाइम इज गुड थिंग टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली कुछ समरी ऑफ जीआईटी रिफ्लेक्स, ये बहुत बार आएंगे लेकिन कम से कम आपको कुछ टर्म तो समझ में आ रहे होंगे। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन है ना, अकोमोडेशन करने के लिए रिसेप्टिव रिलैक्सेशन जो मैंने आपको बताया था ना, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो डायलिटेशन ऑफ द सेगमेंट, इट कैन अकोमोडेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ द फूड और द कंटेंट विदाउट मच इंक्रीज इन द प्रेशर, तो ये रिसेप्टिव रिलैक्सेशन का कंसेप्ट होता है। ये वेगस नर्व की वजह से होता है, कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए है ना। और गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, क्योंकि आज हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स गैस्ट्रिक यानी स्टमक से शुरू हुई कोलॉन तक गई, ओके देखिए जो पहला टर्म आएगा वर्ड आएगा जैसे गैस्ट्रोइलियल, ये 2 वर्ड्स हैं गैस्ट्रो आइलियम, तो स्टमक से शुरू होगी आइलियम तक जाएगी। इंटेस्टाइनो इंटेस्टिनल डिस्टेंशन एंड वन, अब इंटेस्टिनो इंटेस्टिनल रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स इज इनवॉलेंट्री डिस्टेंशन ऑफ द वन पोर्शन ऑफ द इंटेस्टीन इनहिबिट्स द मोटिलिटी और रेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टीन। अभी ये आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग ये धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे, लेकिन चूंकि ये बार बार जितनी बार आप देखेंगे और सुनेंगे कम से कम कुछ आप में सेंसिटाइजेशन डेवलप होगा, कुछ आप समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मकसद इस स्लाइड को 2 बार हम पहले भी दिखा चुके हैं, ये फिर दिखा रहे हैं आपको, यही मकसद है हमारा। देखिए आज जो लास्ट 2 है वही मेन टॉपिक है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स दैट द मोटिलिटी व्हेनेवर द फूड एंटर्स इनटू द स्टमक देयर इज मोटिलिटी ऑफ द स्टमक, सेगमेंटल और पेरिस्टाल्टिक मोटिलिटी वहां पे शुरू हुई, ओके एंड बिकॉज ऑफ दैट द कोलॉन द मोटिलिटी स्प्रेड्स टू द कोलॉन एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएटिंग द डेफिकेशन रिफ्लेक्स, जो कि आज हमारा बेसिक टॉपिक है। सो दिस गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स ऑलवेज इनिशिएट्स द डेफिकेशन रिफ्लेक्स, ओके इसका मतलब क्या है, मोटिलिटी ऑफ द स्टमक इंक्रीजेस द कोलोनिक एक्टिविटी, ओके एंड इट इनिशिएट्स। देखिए हमेशा याद रखिएगा अगर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स ना भी हो तब भी डेफिकेशन होगा, ओके क्योंकि एंट्रिक नर्वस सिस्टम यानी कि मायंट्रिक प्लेक्सस, क्योंकि मायंट्रिक प्लेक्सस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर एक्टिविटी, जब तक मायंट्रिक प्लेक्सस बचा हुआ है तब तक डेफिकेशन होगा, ओके तो कभी कभी आपको एमसीक्यू में आ जाता है कि क्या गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होने की खत्म होने की वजह से क्या डेफिकेशन नहीं होगा, तो योर आंसर शुड बी नो है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स इज ओनली इनिशिएट्स द डेफिकेशन रिफ्लेक्स, लेकिन जो मेन डेफिकेशन है वो मायंट्रिक प्लेक्सस की वजह से भी है ना, वहां से मेन है, तो वो एंट्रिक नर्वस सिस्टम अगर इंटैक्ट है देन द गैस्ट्रोकोलिक, इवन इफ द गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स इज वीक और एब्सेंट देन डेफिकेशन विल अकर। But however, you should know that there is something known as gastrocolic reflex. It is also known as mass movement and it initiates the process of defecation. और जो main defecation है वो rectosphincteric reflex भी कहा जाता है। Rectosphincteric यानी rectum में जो contents of colon है वो rectum में आए and because of that the rectal pressure increases, distension होने लगता है वहां पे, है ना। पहले इनिशियली थोड़ा सा डिस्टेंशन हुआ एंड देन बिकॉज ऑफ डिस्टेंशन अगेन अ पेरिस्टाल्टिक वेव इज जनरेटेड एंड द कंटेंट्स आर पुश्ड इनटू द दैट एनल कैनाल, है ना, वो वहां तक गए और जैसे ही एनल कैनाल में गए उधर डिस्टेंशन हुआ तो इनिशिएट क्या हुआ, पेरिस्टाल्सिस, लॉ ऑफ द गट है ना, जो मैंने आपको बताया, और उसकी वजह से क्या हुआ, पेरिस्टाल्टिक वेव जनरेट हुई और जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स कर गए और जब रिलैक्स कर गए स्फिंक्टर देन देयर इज डेफिकेशन, ओके तो ये बेसिक है डेफिकेशन रिफ्लेक्स का। इट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टोस्फिंक्टर रिफ्लेक्स, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, ओके तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि ये सब पुरानी बातें हैं, कोई नई चीज नहीं है,
हेलो। ओके सो आई विल किसी को कोई अब तक समस्या तो नहीं है, किसी को कोई पूछना तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम किसी को? क्योंकि फिर अब हम आज का टॉपिक जो है ना धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन रिवीजन जरूरी है, हमेशा याद रखिएगा। हाँ बताइए। सर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के ट्रांसफर और बैलेंस कैसे? बेटा वो जो लार्ज इंटेस्टीन की जहाँ हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे ना, लार्ज इंटेस्टीन की जो मैंने आपको हिस्टोलॉजी बताई थी कि उसमें क्या होता है, जो सर्कुलर मसल होता है वो ज्यादा होता है ना इन लार्ज इंटेस्टीन। तो मस्कुलरिस लेयर है, लेकिन जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है वो ट्रांसवर्स बैंड में की फॉर्म में होती है, तीन बैंड में होती है वो, है ना। तो उनको टीनिया कोलाई बोलते हैं स्पेसिफिक। और जब मोटिलिटी होती है उनपे टेंशन पड़ता है, और जब टेंशन पड़ता है उनके ऊपर देन देयर इज सेगमेंट, सेगमेंट्स बन जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जिनको हॉस्ट्रेशन बोलते हैं। ओके, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, टेंशन टेंशन जब डेवलप हुआ तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, आई होप एवरीबडी नोज कि सेगमेंट्स जो है ना उनका डायमीटर बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि वो वीक है, मतलब है ना, तो वो प्यार इन द फॉर्म ऑफ बैंड, बैंड के फॉर्म में है वो पूरा पूरा मास नहीं है, जैसे हर जगह होता है कि सर्कुलर भी है लॉन्गिट्यूडनल भी है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड सर्कुलर ज्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की सिर्फ बैंड्स होती हैं, तो वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देती है पूरे की पूरी इंटेस्टाइन, क्योंकि वो बैंड्स के फॉर्म में, ओवरऑल बैंड के फॉर्म में, कैन यू अंडरस्टैंड। और ये चीज आपको हिस्टोलॉजी जो एनाटॉमी में हिस्टोलॉजी सिखाएंगे, दे विल मेक यू अंडरस्टैंड इट मच बेटर, है ना। क्योंकि हिस्टोलॉजी के आप समझेंगे देन ओनली यू कैन बी एबल। और लेकिन आप ये देख सकते हैं, किताबों में देख सकते हैं, वीडियोस में देख सकते हैं। ओके, दे बेसिक वही है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ बैंड। ओके, तो हम आगे बढ़े जो आज का टॉपिक है। किसी की और कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ पूछना चाहता हो? क्योंकि आप आज का टॉपिक शुरू हो रहा है बेसिक, और सबसे बहुत आसान टॉपिक है ये, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ओके, तो आगे बढ़े। हेलो, हेलो। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिकेशन रिफ्लेक्स क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ द एक्सपल्शन। सबसे पहले डेफिकेशन होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जो अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स हैं। ओके, वंस द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीट, देन दे आर बाय द एक्शन ऑफ द कोलोनिक बैक्टीरिया दे आर कन्वर्टेड इनटू द फीसेस। ओके, फीसेस में कन्वर्ट हुए, और जो येलो कलर ऑफ फीसेज होता है इट इज बिकॉज ऑफ द बाइल। जब आपको हम लोग लिवर पढ़ाएंगे, बाइल पढ़ाएंगे, देन उसके फंक्शन पढ़ाएंगे, तो हम और आगे बताएंगे आपको। तो द येलो कलर ऑफ द फीसेज इज बिकॉज ऑफ द बाइल, है ना। तो ऑफ फीसेज बनते कैसे हैं? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द कोलोनिक बैक्टीरिया ऑन द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। तो और फीसेज में जो हमेशा याद रखिए, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एक फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, वॉल्यूम ऑफ द वॉटर, जो पानी होता है इट गेट्स एब्जॉर्ब इन दी कोलॉन। लार्ज इंटेस्टीन में कोलॉन में एब्जॉर्प्टिव फंक्शन भी है, जो खासकर वॉटर के। ओके, और फिर बैक्टीरिया एक्ट करता है एंड देर इज सॉलिडिफिकेशन ऑफ द फीसेस। ओके, पानी एब्जॉर्ब हुआ, बैक्टीरिया एक्ट हुआ, फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ, एंड देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ द फीसेस। बाइल की वजह से येलो कलर ऑफ फीसेस है। ओके, एंड दैट प्रोड्यूस फीसेस। तो उस प्रोसेस जो फीसिस फॉर्मेशन है, उस फीसिस को एक्सक्रीट कर देना, दैट इज अ रिफ्लेक्स विच इज नोन एज डेफिकेशन रिफ्लेक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टो स्फिंक्टरिक रिफ्लेक्स। ओके, ये एक बेसिक डेफिकेशन डेफिकेशन की डेफिनेशन है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये रिफ्लेक्स है। ओके, अब ये होता कैसे है, हम आज का टॉपिक वो है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर बेसिक आइडिया है तो किताब में सब लिखा हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर, कोलॉन है तो साहब एसेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन है, डिसेंडिंग कोलॉन है। ओके, आपका सिग्मॉइड कोलॉन है, फिर रेक्टम है, एंड देन एनल कैनाल। तो व्हाट व्हाट हैपेंस व्हेन एवर देयर इज डिस्टेंशन ऑफ द कोलॉन, अ पेरिस्टाल्टिक वेव इज जनरेटेड। ओके, द प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द स्टमक, मोटिलिटी ऑफ द स्टमक इनफैक्ट इंक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन, एंड व्हेन देयर इज डिस्टेंशन ऑफ द सेगमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज पेरिस्टाल्सिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज पुशिंग इफेक्ट। तो जो फीसिस हैं, जो फॉर्म फीसिस हैं, दे आर पुश्ड इनटू द रेक्टम, एंड फ्रॉम रेक्टम इनटू द जो सिग्मॉइड कोलॉन है, पहले वो डिस्टेंट हुआ, एंड देन व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंशन अ पेरिस्टाल्टिक वेव इज जनरेटेड, एंड देन देयर इज पुशिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द फीसिस
प्रोपल्शन इनटू द एनल कैनाल, एंड और जैसे ही एनल कैनाल में आया स्फिंक्टर रिलैक्स करके, एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स किया, इंटरनल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज डेफिकेशन। इस तरीके से डेफिकेशन प्रोसेस का एक बेसिक है, तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है, रेक्टो स्फिंक्टरिक रिफ्लेक्स है। डिस्टेंशन, मोटिलिटी ऑफ द स्टमक इंक्रीज, मोटिलिटी ऑफ द कोलॉन, डिस्टेंशन ऑफ द कोलॉन कॉजेस पेरिस्टाल्सिस, एंड अल्टीमेटली देयर इज पुशिंग इफेक्ट एंड देन देयर इज डेफिकेशन। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो हम मोटिलिटी के अगर हम बेसिक फंडामेंटल जानते हैं तो हम अपनी एक दो तीन लाइन खुद बना सकते हैं, और खुद क्या है, साइंटिफिक लाइन है, कोई गलत नहीं है, बेसिक है। ओके, लैंग्वेज किताब में क्या है वो आप पढ़ सकते हैं, समझने के लिए इतना काफी है। अब हमेशा याद रखिएगा जो एनल कैनाल इज गाइडेड बाय इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। हमेशा याद रखिए एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, एक एक्सटर्नल है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर क्या है, इट इज सर्कुलर मसल, जो स्मूथ मसल है उससे फॉर्म्ड है, एंड इट इज इनवॉलंटरी, वो आपके इख्तियार में नहीं है, है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज इट इज इनवॉलंटरी। सो व्हेनेवर देयर विल बी डिस्टेंशन देन इंटरनल एनल स्फिंक्टर विल रिलैक्स, है ना। लेकिन जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, हमेशा याद रखिएगा स्केलेटल मसल से बना हुआ है, एंड इट इज वॉलंटरी इन नेचर, इट इज अंडर योर कंट्रोल। ओके, सो कि जब रेक्टो स्फिंक्टर रिफ्लेक्स होगा इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर विल रिलैक्स, ओके, एंड द डेफिकेशन विल स्टार्ट। ओके, बट हाउएवर बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, है ना, एंड इट सराउंड्स द इंटरनल एनल स्फिंक्टर। अगर आप एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कंस्ट्रिक्ट कर लेंगे, सो व्हाट विल हैपन, बिकॉज यू कैन डू इट बाय वॉलंटरी एक्टिविटी, ओके, देन योर डेफिकेशन विल मोमेंटली स्टॉप। ओके, एंड दिस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, जैसे मैं आपको फिर बताऊं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर सर्कुलर स्मूथ मसल से बना हुआ है, इट इज इनवॉलेंट्री, व्हेनेवर देयर इज डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम देन दिस इंटरनल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स, इट इज इनवॉलेंट्री। ओके, द पेरिस्टाल्टिक वेव डिस्टेंशन विल रिलैक्स द इंटरनल एनल स्फिंक्टर, लेकिन हाउएवर द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर व्हिच इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, इट सराउंड्स द इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड इट इज वॉलेंट्री इन नेचर। ओके, डेफिकेशन रिफ्लेक्स में शर्त यह है कि इंटरनल डेफिकेशन रिफ्लेक्स में शर्त यह है, लेकिन एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर चूंकि वॉलेंट्री इन नेचर है, इट सराउंड्स द इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, यू कैन वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट इट एंड प्रिवेंट द डेफिकेशन, मोमेंटली स्टॉप द डेफिकेशन। और इसका जो इनर्वेशन है, जो नर्व है, उसका नाम पुडेंडल नर्व है। कम से कम बेसिक ये याद रखिए, जब आपको एनाटॉमी में बताया जाएगा ये कहाँ पर है, कौन सी है, दे विल टेल यू, लेकिन हमारा जो काम है बेसिक आपको नाम बता देना कि पुडेंडल नर्व इज द नर्व विच सप्लाइज द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्मली एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिमेन इन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। ओके, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में वो रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट, एक तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेंसरी सेंसेशन, डिस्टेंशन प्रेशर इज अ सेंसेशन, ये सेंसेशन है। so whenever there is increase in the pressure that and distension of the anal canal or the distension of the large intestine especially the descending colon jo rectum hai sigmoid colon hai anal canal hai to uske jo sensation hai distension they should be carried to the spinal cord okay ke pressure increase ho raha hai distension ho raha hai then spinal cord should know okay these are through the jo spinal cord hai uske jo sacral segment hai, I hope everybody knows there cervical segments hote hain and thoracic hote hain okay lumbar hota hai aise jo sacral segment hai okay they receive the sensory signal sensory nerves jo sensory nerve hai jo descending colon hai wahan se whenever there is distension increase in the pressure then those signals are transmitted to the spinal cord okay via the sensory nerve aur fir wahan se wapas signal aate hain थ्रू दी S2 S4 पेल्विक नर्व्स। ओके, देखिए हमेशा याद रखिए पहला हुआ डिस्टेंशन है ना, प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो उसकी उस सेगमेंट होंगे वो स्ट्रेच होंगे एंड दोज सिग्नल्स विल बी ट्रांसमिटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। कहां, कौन से सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेक्रल सेगमेंट पे। तो इसका अर्थ ये सिग्नल्स चूंकि सेंसेशन ले जा रहे हैं सो दीज आर सेंसरी नर्व्स। ओके, और फिर वहां से वापस सिग्नल आएंगे टू दी कोलॉन, जो रेक्टम है सिग्मॉइड कोलॉन है, इनको वापस सिग्नल आएंगे है ना, कौन से सिग्नल, कॉन्ट्रेक्टाइल सिग्नल जो मोटर सिग्नल्स होंगे वाया S2 S4 सेगमेंट्स, जो S2 S4 सेक्रल सेगमेंट्स हैं वहां से जो नर्व्स हैं दे विल गिव द सिग्नल बैक टू द डिसेंडिंग कोलॉन
एंड देर विल बी कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टाल्टिक वेव जनरेट हो जाएगी और जैसे ही डिस्टेंशन की सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड में, वापस सिग्नल आया कॉन्ट्रैक्शन का एंड अल्टीमेटली देयर विल पेरिस्टाल्सिस एंड एट द सेम टाइम देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर। तो ये जो है ना तीन चीजें अगर बेसिक आपको आइडिया है देन यू नो एवरीथिंग अबाउट डेफिकेशन। द क्लास इज इफेक्टिवली ओवर, अब आप खुद भी पढ़ सकते हैं लेकिन इसको हम चूंकि हमें पूरा 9 बजे तक खींचना है तो हम इसको आगे बताएंगे। ओके तो तीन लाइनों में अगर आपसे डेफिकेशन रिफ्लेक्स में एक बार आपको आवाज आ रही है? हेलो यस सर। हाँ तो इसको फिर सुन लीजिए बच्चों, जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है सबसे पहले दो चीजें हमेशा जब भी डेफिकेशन पढ़े आपको फिजियोलॉजी किताब में दो चीजें आपको उधर दिखेंगी, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एंड मास मूवमेंट। गैस्ट्रोकोलिक क्या है? मोटिलिटी ऑफ द स्टमक इंक्रीजेस मोटिलिटी ऑफ द कोलन, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इनिशिएट्स योर डेफिकेशन रिफ्लेक्स। दूसरा क्या है? रेक्टो स्फिंक्टरिक, डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम कॉजेस द रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर। ओके दिस इज एक्चुअली डेफिकेशन रिफ्लेक्स। ओके रेक्टो स्फिंक्टरिक रिफ्लेक्स। और हमें पता क्या होना चाहिए डेफिकेशन की डेफिनेशन? इट इज द एक्सक्रीशन ऑफ द या एक्सपल्शन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कुछ बेसिक आइडिया जो हमें होना चाहिए कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वॉलेंट्री है, स्केलेटल मसल का बना हुआ है, किसके चारों तरफ है? इंटरनल स्फिंक्टर के, जो कि सर्कुलर स्मूथ मसल है, इनवॉलेंट्री है। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर आप कॉन्ट्रैक्ट वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करके यू कैन मोमेंटली स्टॉप द डेफिकेशन। और वो उसकी नर्व सप्लाई क्या है? पुडेंटल नर्व। नॉर्मली एक्सटर्नल स्फिंक्टर ऑलवेज रिमेन इन अ स्टेट ऑफ द कंस्ट्रिक्शन। ओके अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चूंकि रिफ्लेक्स है तो रिफ्लेक्स में हमेशा एक जाने वाला आर्म होता है, एक आने वाला होता है, एक सेंसरी है, एक मोटर सिग्नल है। सेंसरी सिग्नल क्या है? सेंसेशन। किस चीज का? डिस्टेंशन का। किस चीज का? प्रेशर का। ये उधर कंटेंट आ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर इज अ सेंसेशन, सो इट मस्ट बी कैरीड टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को पता होना चाहिए कि उधर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ओके सो थ्रू द सेंसरी नर्व कौन से सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा? सैक्रल सेगमेंट में। ओके तो ये इसका सेंसरी आर्म बन जाएगा डेफिकेशन रिफ्लेक्स का। ओके जो रिफ्लेक्स बन रहा है उसमें जो सेंसरी सिग्नल है दे आर कन्वेड थ्रू द सेंसरी नर्व टू द सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। किस चीज के सेंसेशन के? उधर डिस्टेंशन हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ओके और वहां से वापस सिग्नल आएंगे मोटर सिग्नल्स। ओके डिसेंडिंग कोलॉन में जो आपका रेक्टम है, सिग्मोइड कोलॉन है, एनल कनाल है, वहां से मोटर सिग्नल्स वापस आएंगे सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू दी S2S4 नर्व्स। ओके पेल्विक नर्व्स है, वहां से दी S2S4 सैक्रल जो नर्व्स है वहां से सिग्नल्स दे विल कम बैक टू द डिसेंडिंग कोलॉन एंड रिजल्ट इन पेरिस्टाल्सिस, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, बिकॉज दीज आर मोटर सिग्नल्स, दे विल ऑलवेज कॉज द कॉन्ट्रैक्शन एंड अल्टीमेटली एज सून एज देयर इज पेरिस्टाल्सिस एंड कॉन्ट्रैक्शन there will be relaxation of the internal anal sphincter. Okay, this will complete the defecation. But how you can momentarily stop the defecation? By causing the contraction of the external anal sphincter. That is mediated by the pudendal nerve. So, uska jo signal hai, that will be through pudendal nerve. Okay, to ye ek basic hua. To agar hum isko phir se samjhe, defecation kya hai? Distension which initiates peristalsis and whenever there is peristalsis, there is relaxation of the internal and एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो जो डिस्टेंशन है वो सेंसेशन है, प्रेशर सेंसेशन है, वो कहां जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। कौन से सेगमेंट में? सैक्रल सेगमेंट्स में। कौन सी नर्व्स ले जाएंगी? जो सेंसरी नर्व्स होंगी। और फिर जो पेरिस्टाल्सिस है वो कॉन्ट्रैक्शन है, तो वो मोटर एक्टिविटी है, तो सिग्नल्स विल कम बैक फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू S2S4 नर्व्स। ओके तो ये कंप्लीट कर देता है डेफिकेशन रिफ्लेक्स। तो वो जो हमने डेफिनेशन शुरू में पढ़ी, एक कंसेप्ट पढ़ा कि डिस्टेंशन कॉजेस पेरिस्टाल्सिस, तो वही हमें उस एक लाइन को जो बेसिक है उसको इस पूरे डेफिकेशन रिफ्लेक्स में फिरो देना है। उसको हमें बस फैंसी छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है, क्रक्स वही रहेगा, जो बेसिक फंडामेंटल है इट विल रिमेन द सेम, डिस्टेंशन कॉजेस पेरिस्टाल्सिस। ओके डिस्टेंशन होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर सेंसेशन है, वो हमेशा स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा थ्रू सैक्रल सेगमेंट में थ्रू सेंसरी नर्व, सिग्नल्स विल बी ट्रांसमिटेड एंड देन दे विल बी पेरिस्टाल्सिस बिकॉज डिस्टेंशन कॉजेस पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस क्या है? इट इज अ मोटर एक्टिविटी, और मोटर एक्टिविटी है तो कॉन्ट्रैक्शन है, अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो कोई ना कहीं से सिग्नल जरूर आ रहा होगा मोटर एक्टिविटी करने के लिए, तो इट विल बी थ्रू सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो कि मोटर एक्टिविटी लेके आएगी सिग्नल। कौन सी नर्व्स हैं? S2 S4 सेगमेंट्स की।
okay, pelvic nerves. So, and there will be distension cause peristalsis, and because of peristalsis, there will be relaxation of the internal sphincter. Then defecation reflex will be completed. So, this puri slide mein defecation reflex hai. Hai na, class khatam ho gayi, ab isko bas hame aage badhana hai. Okay, jaise ki ye wahi cheez hai. As you can see, अगर इसको थोड़ा डायग्राम देखें, आप फिजियोलॉजी किताबों में और भी डायग्राम है, तरह तरह की किताबों में, ये मैंने नेट से लिया है. तो वही बेसिक वही याद रखिएगा, डिस्टेंशन कॉजेस पेरिस्टाल्सिस. तो एक सेंसरी नर्व्स हैं, सिग्नल्स जा रहे हैं सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर वहां से मोटर एक्टिविटी आ रही है S2, S4, ओके, अब वो वापस आ रही है और डिसेंडिंग कोलोन का पेरिस्टाल्सिस करा रही है. तो पेरिस्टाल्सिस हो रही है तो फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स कर रहे हैं. लेकिन आप एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करके, क्योंकि वो स्केलेटल मसल है, यू कैन मोमेंटली स्टॉप द डेफिकेशन रिफ्लेक्स. अगर आपको ये करना है तो पुडेंडल नर्व विल हेल्प यू, बिकॉज पुडेंडल नर्व इज द अल्फा मोटर न्यूरॉन, मतलब मोटर एक्टिविटी है, मोटर नर्व है जो सिग्नल्स लेके आती है टू द एक्सटर्नल स्फिंक्टर. तो यू कैन कॉन्ट्रैक्ट द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, है ना. तो ये डायग्राम जो फैंसी है वो इस चीज में पुरोया हुआ है. तो पैरासिंपैथेटिक जो है, जो S2, S4 सैक्रल सेगमेंट है, दीज आर द पैरासिंपैथेटिक सिग्नल्स, है ना. सो ऑलवेज रिमेंबर द पैरासिंपैथेटिक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेफिकेशन, है ना. इससे हमें नई चीज ये पता चली, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरा सैक्रल सेगमेंट्स की बात करी, S2, S4 की बात करी. सो दीज आर ऑल सैक्रल जो है ना, दीज आर पैरासिंपैथेटिक. अगर आपने ANS पढ़ा हो तो क्रेनियो सैक्रल एक टर्म यूज हुआ था. कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो पैरासिंपैथेटिक होती हैं, सिमिलरली कुछ जो सैक्रल सेगमेंट होता है दीज आर पैरासिंपैथेटिक. सो पैरासिंपैथेटिक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग योर व्हाट दिस मोटर दिस जो पैरासिंपैथेटिक ये जो एक्टिविटी है आपकी, है ना. तो हम साहब आगे बढ़े, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, कैन यू सी दी स्लाइड्स. हेलो, ओके, तो इसको साहब हम आगे बढ़ाते हैं. हेलो, ओके, तो नाउ यू कैन सी दिस स्लाइड. हेलो, ओके. तो बेटा हम जो अभी आपको इसकी जैसे बता रहे थे, यही एक और डायग्राम है, वही चीज. इसको फिर से हम रिपीट करें. स्टमक में जैसी ही मोटिलिटी हुई तो कौन सा रिफ्लेक्स इनिशिएट हुआ, गैस्ट्रोकोलिक. स्टमक की मोटिलिटी कहाँ गई, कोलोन तक. ओके, द मोटिलिटी ऑफ द स्टमक इनिशिएट्स द मोटिलिटी ऑफ द कोलोन, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक. इंपॉर्टेंस क्या है उसका, इट इनिशिएट्स द डेफिकेशन रिफ्लेक्स. ओके, तो उसको गैस्ट्रोकोलिक बोलते हैं. ओके, जिसको हम मास मोटिलिटी, जो हमने आपको रेक्टो स्फिंक्टरिक है ना, फिर उसके बाद रेक्टो स्फिंक्टरिक होगी, तो जो डिस्टेंशन होगा दैट विल इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द कोलोन. ओके, और वो पेरिस्टाल्टिक वेव पुश होगी एंड अल्टीमेटली द फीसेस विल बी एक्सपेल्ड. तो ये जो हमने आपको पहले स्लाइड्स में बताया था, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, रेक्टो स्फिंक्टरिक रिफ्लेक्स, ये कंसेप्ट वही है ना, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. एंड ऑलवेज रिमेंबर पैरासिंपैथेटिक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेफिकेशन. तो पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे, एक इंट्रेंसिक रिफ्लेक्स होता है, एक एक्सट्रेंसिक रिफ्लेक्स होता है, है ना. इंट्रेंसिक रिफ्लेक्स क्या है, जो इंटरनल मोटर एक्टिविटी है GIT की, जो कंट्रोल होती है थ्रू द एंट्रिक नर्वस सिस्टम, वो भी डेफिकेशन कराती है. और एक एक्सट्रेंसिक है कि जो आपको एक रिफ्लेक्स आर्क की रिफ्लेक्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज थ्रू द पैरासिंपैथेटिक. जो सैक्रल सेगमेंट्स हैं ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेफिकेशन रिफ्लेक्स. ओके, तो उसको पैरासिंपैथेटिक रिफ्लेक्स ऑफ द डेफिकेशन बोलते हैं. ओके, तो अभी हम आपको इस चीज को आगे बढ़ाएं, तो यही चीज कहें, इसको थोड़ा सा ऑफ फैंसी कर दें, है ना. कि डेफिकेशन रिफ्लेक्स अगर आप बोले तो दो तरीके के आपको उसमें बताना होगा, एक इंट्रेंसिक है, एक एक्सट्रेंसिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स है.
इंट्रेंसिक यानी देखिए इसमें भी कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी यू नो इट है ना, जो जैसे मैंने आपको बताया था एंट्रिक नर्वस सिस्टम वो है क्या, इट इज द मिनी ब्रेन ऑफ द गट, इट इज द लिटिल ब्रेन ऑफ द गट, इट इज द इंट्रेंसिक एक्टिव है ना, एक इंट्रेंसिक उसके बाद नर्वस सिस्टम है जीआईटी के पास, तो वहां से जो चीजें एक्टिवेट होती हैं तो वो खुद ही कंट्रोल करती है जीआईटी अपना खुद का, उसके पास मोटर एक्टिविटी है ओके, मोटिलिटी कंट्रोल कर सकती है वो, सिक्रीशन कंट्रोल कर सकती है, एब्जॉर्प्शन कंट्रोल कर सकती है, ब्लड फ्लो कंट्रोल कर सकती है। तो सिमिलरली जब डेफिकेशन रिफ्लेक्स होगा तो जो माइंट्रिक, अब इसमें माइंट्री प्लेक्सिस इंपॉर्टेंट है, माइंट्री प्लेक्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई होप एवरीबडी नोस दैट माइंट्रिक इज एक्चुअली द मोटर एक्टिविटी, इट कंट्रोल्स द मोटिलिटी, और यहाँ पे हमें जब डेफिकेशन रिफ्लेक्स कराना है तो मोटिलिटी इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट हैपेंस, ये आपका गाइटन में भी इस तरीके के आपके दो डायग्राम बने हुए ओके, तो उसमें क्या है, अब इसको समझ लीजिए, समझना आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, डेफिकेशन क्या है, डिस्टेंशन होगा, तो डिस्टेंशन की वजह से क्या होगा, दो सेंसरी सिग्नल्स कैरी होंगे और जब सेंसरी सिग्नल एक्टिवेट होंगे स्ट्रेचिंग होगी, डिस्टेंशन होगा, अल्टीमेटली मोटर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी ओके, तो यही बेसिक चीज है। अब यहाँ पे क्या है, इंट्रेंसिक है सब कुछ ओके, इंट्रेंसिक का मतलब क्या है कि सब कुछ अंदर ही अंदर है ओके, विद इन द कोलॉन, उधर ही माइंट्री प्लेक्सेस है, उधर ही स्ट्रेच रिसेप्टर्स है। तो व्हाट हैपेंस व्हेनेवर द देयर इज डिस्टेंशन ऑफ द कोलॉन, खासकर जो डिसेंडिंग कोलॉन है, खासकर जो रेक्टम है ना, जो और आप इतना बेसिक पढ़ सकते हैं कि डिसेंडिंग कोलॉन में आपके जैसे सिग्मॉइड कोलॉन हो गया, रेक्टम हो गया, एनल कैनाल हो गया, तो इनिशियली जो है ना जब रेक्टम आपका डिस्टेंड होगा तो व्हाट विल हैपन, उधर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ग्यारह स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे चूंकि इंट्रेंसिक एक्टिविटी है तो हमें सब कुछ उसी सेगमेंट में बताना है ओके, हमें कोई आंख पूरा इस तरीके का क्रिएट नहीं करना कि पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी हो, क्योंकि पैरासिम्पेथेटिक सैक्रल सेगमेंट है, वहां स्पाइनल कॉर्ड की है, यहाँ पे सब कुछ चूंकि इंट्रेंसिक है, हमें चाहिए याद रखिए इसको रटने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज इंट्रेंसिक, इनबिल्ट सिस्टम है, उसी के अंदर है सब कुछ। सो व्हाट विल हैपन व्हेन द कंटेंट्स आर पुश्ड इनटू द रेक्टम, आपने शुरुआत यहाँ से करी, वहां पे डिस्टेंशन हुआ, तो डिस्टेंशन हुआ तो उधर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे इन द वॉल ऑफ द रेक्टम ओके, दे विल बी स्टिमुलेटेड, और वो जब स्टिमुलेट होंगे चूंकि वहां डिस्टेंशन है, प्रेशर सिग्नल्स हैं, दे विल बी कैरीड, कहां पे कैरी होंगे, माइंट्री प्लेक्सेस में, जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, माइंट्री प्लेक्सेस बिटवीन आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल, तो उस वहां पे आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर मसल्स के बीच में जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, वहां पे वो सेंसरी सिग्नल जाएंगे है ना, वहां वो सैक्रल सेगमेंट और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाएंगे क्योंकि वो पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी हो जाएगी, यहाँ पे हमें इंट्रेंसिक माइंट्रिक न्यूरॉन्स पे सिग्नल देने हैं, एंड देन फ्रॉम द माइंट्रिक न्यूरॉन्स दे विल बी एक्टिवेटेड एंड द नर्व सिग्नल्स विल बी कैरीड, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, उसके एंड पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे जो एक्साइटेटरी होंगे, एंड दे विल गिव द मोटर एक्टिविटी टू दे विल इंक्रीज द मोटर एक्टिविटी ऑफ द डिसेंडिंग कोलॉन है ना, जैसे सिग्मॉइड कोलॉन है, रेक्टम है, और जैसी मोटर एक्टिविटी उधर न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होगी, दे विल बी इंक्रीज इन द मोटिलिटी, पेरिस्टाल्सिस वेव होगी, एंड अल्टीमेटली इट विल पुश द कंटेंट्स इनटू द एनल कैनाल, एंड अल्टीमेटली दे विल बी रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एंड इट विल कंप्लीट द इंट्रेंसिक आर्म ऑफ द डेफिकेशन रिफ्लेक्स, जो इंट्रेंसिक एक्टिविटी है ना, तो ये इंट्रेंसिक है, तो इंट्रेंसिक यानी सब कुछ अंदर ही अंदर उसी सेगमेंट में ही पूरी कहानी घूम रही है, कहीं बाहर से हमें जरूरत नहीं है, एक्सट्रेंसिक है ना, इंट्रेंसिक एक्टिविटी है, तो इंट्रेंसिक एक्टिविटी कैसे हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ मोटर एक्टिविटी भी चाहिए, तो हमें वहीं पे जो न्यूरॉन्स हैं, वहीं पे जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है एंट्रिक नर्वस सिस्टम का, माइंट्रिक जैसे मैंने आपको इसलिए बताया था, माइंट्रिक मोटर है ना, इट इंक्रीजेस द मोटर एक्टिविटी। तो फिर एक बार बता दें, somebody ask you what is the intrinsic defecation reflex, all you have to say that whenever the feces enter into the rectum, they distension of the wall of the rectum, and because of that, the stretch receptors, they sense that distension and they give the signals to the myenteric neurons, है ना, motor neurons जो है myenteric plexus के, वहां पे signals जाएंगे, and ultimately they will give the signals back to the descending colon, and they will, these are motor signals, so ultimately there will be peristalsis. And because of peristalsis, they will be pushing of the contents of the into the further into the anal canal. Peristalsis होगी और उसकी वजह से क्या होगा? Distension है, peristalsis है, उसके बाद तीसरी चीज क्या है? Relaxation of the sphincter. The sphincters will relax. So it will complete the intrinsic defecation reflex. लेकिन अगर यही चीज हमें बाहर से जरूरत पड़ जाए,
कि कहीं हमें स्पाइनल कॉर्ड की जरूरत पड़ जाए, तो वो अब आप कहेंगे एक्सट्रिंसिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स, है ना, उसको हम पैरासिम्पेथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं. ओके, और चीज वही है, कहानी वही है. फीसिस इंटर इंटू द रेक्टम, उससे क्या होगा, डिस्टेंशन ऑफ द वॉल ऑफ द रेक्टम. तो वो जो डिस्टेंशन है उसे सेंस कौन करेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वॉल ऑफ द रेक्टम में. अब लेकिन वहां पे जो सेंसरी सिग्नल्स होंगे वो माइंड्रिक न्यूरॉन्स में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ पे, दे विल टर्मिनेट ऑन द सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, और वो सेंसरी सेंसेशन उसने रिसीव कर लिए, एंड देन फ्रॉम द सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द पेल्विक नर्व्स, जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स हैं, द सिग्नल्स विच आर मोटर सिग्नल्स, दे विल कम बैक टू द स्मूथ मसल्स ऑफ द डिसेंडिंग कोलॉन. और चूंकि वो मोटर सिग्नल्स हैं, जहां पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, दे विल बी एक्साइटेटरी, दे विल इंक्रीज द मोटर एक्टिविटी, देर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द डिसेंडिंग कोलॉन, एंड अल्टीमेटली पेरिस्टाल्सिस विल बी जनरेटेड, एंड दे विल बी कंटेंट्स विल बी पुश्ड फर्दर इनटू द एनल कैनाल, एंड देर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एनल स्फिंक्टर. तो ये पैरासिम्पेथेटिक आर्म हो जाएगा डेफिकेशन रिफ्लेक्स का. ओके, पैरासिम्पेथेटिक, तो ये बेसिक वही है, कहानी वही है, डिस्टेंशन, डिस्टेंशन की वजह से सेंसरी सिग्नल, अगर वो माइंड्रिक तक गए तो वो इंट्रेंसिक है, लेकिन अगर वो सैक्रल सेगमेंट्स और स्पाइनल कॉर्ड पे चले गए तो वो पैरासिम्पेथेटिक है. तो चाहे वह वहां जाए, चाहे वहां जाए, वहां से वापस अल्टीमेटली मोटर सिग्नल्स आने हैं, उसकी वजह से मोटिलिटी इंक्रीज होगी. ओके, तो ये और जब पेरिस्टाल्सिस होगी, देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर, एंड अल्टीमेटली योर डेफिकेशन विल रिजल्ट. ओके, बट हाउएवर यू कैन ऑलवेज स्टॉप दैट डेफिकेशन बाय कॉजिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉलेंट्री स्केलेटल मसल ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, और वहां पे आपकी मदद करेगा पुडेंडल नर्व, पुडेंडल नर्व. ओके, तो ये बेसिक है, एक्सटर्नल इंट्रेंसिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स, माइंड रिफ्लेक्सेस, एंड पैरासिम्पेथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स. ये आप फिजियोलॉजी किताबों में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको ये दो स्लाइड्स बेसिक दिखाई. समझ में आया? हेलो, हेलो, यस सर. ठीक है साहब, तो हम ठीक है, अब हम आगे बढ़े. बेसिक कुछ चीजें आ जाए ना, अब छोटी छोटी कहानी है. तो अब एक चीज आपसे पूछी जाएगी, रोल ऑफ दी, ये वैसे एनाटॉमी वाले बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डायग्राम भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ चूंकि आपकी फिजियोलॉजी किताबों में जिक्र आएगा इसका, तो ये आपको पता होना चाहिए. द प्यूबो रेक्टालिस मसल, है ना, एक मसल होती है प्यूबो रेक्टालिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है टू मेंटेन द कंटिनेंस, है ना, द कंटिनेंस, क्योंकि कभी कभी ओल्ड एज में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से कंटिनेंस खत्म हो जाती है, इनकंटिनेंस होने लगती है. मतलब अक्सर ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई केस आया कि 70 ईयर ओल्ड मेल था, तो वो आपके पास आया, वो फीकल इनकंटिनेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब ही इज नॉट एबल टू होल्ड हिज फीसेस. ओके, डेफिकेट कर जाता है, बैठे बैठे आप कहीं बैठे हुए हैं, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, वो होल्ड नहीं कर पाए, वो डेफिकेट कर देते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं इनकंटिनेंस. तो नॉर्मली क्या होता है, दिस कंटिनेंस, हाउ द फीकल कंटिनेंस अकर्स, के डेफिकेशन रिफ्लेक्स के को आप होल्ड, हाउ व्हाई दोस फीसेस आर केप्ट ऑन होल्ड, ऐसा ना हो कि प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ा तो डेफिकेट कर गए, तो एक कंटिनेंस का कंसेप्ट होता है. तो वहां पे आपकी मदद करेगा प्यूबो रेक्टालिस मसल. आप फिजियोलॉजी किताबों में पढ़िएगा, एनाटॉमी में दे विल टेल यू इन मोर डिटेल्स, देयर इज अ प्यूबो रेक्टालिस मसल. तो वो जो है ना एक सिलिंग एक्टिविटी बनाता है, एक स्लिंग होता है ना, वो प्यूबो रेक्टालिस मसल एक्ट एज अ स्लिंग. तो व्हाट हैपेंस व्हेनेवर दिस प्यूबो रेक्टालिस मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, नॉर्मली इट रिमेंस इन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, तो देयर इज एंगुलेशन इज क्रिएटेड एक एनल कैनाल और रेक्टम के बीच में, जिसको एनो रेक्टल एंगल बोलते हैं. आप एक कंसेप्ट पढ़िएगा, एनो रेक्टल एंगल इज क्रिएटेड, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनो रेक्टल जो एंगल क्रिएट होता है उसकी वजह से इट इज नॉर्मली लेस देन 90 डिग्री के आसपास होता है ना, तो उसकी वजह से एक स्लिंग एक्टिविटी आती है, उसमें एक खिंचाव तनाव पैदा होता है, तो उसकी वजह से वहां दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग द रश ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेक्टम इन टू द एनल कैनाल. क्योंकि अगर वो एकदम से रश कर जाएंगे तो एनल कैनाल में डिस्टेंशन हो जाएगा, डिस्टेंशन हो जाएगा तो पेरिस्टाल्सिस हो जाएगी, पेरिस्टाल्सिस हो जाएगी तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाएंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्स है इनवॉल्व, है ना. तो प्यूबो रेक्टालिस मसल चूंकि एक स्लिंग की तरह एक्ट करती है, इट क्रिएट्स एन एंगल, वो एक बिकॉज प्यूबो रेक्टालिस मसल जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, वो एक एंगल क्रिएट करती है बिटवीन द रेक्टम एंड द एनल कैनाल. ओके, तो उस एंगल की वजह से कंटिनेंस क्रिएट होता है. ओके, और ऑफ कोर्स जो दूसरी चीजें होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिमेन इन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, तो ये भी दो रीजन है कंटिनेंस के.
लेकिन जब डेफिकेशन होता है, डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम, देन व्हाट हैपेंस, दिस प्यूबोरेक्टालिस मसल रिलैक्स, तो जो एंगल था वो खत्म हो जाता है, तो जो प्रेशर बनता है क्योंकि वो रिलैक्स कर जाती है, तो उसमें तनाव जो रेक्टम और एनल के एनस के बीच में एक एंगल क्रिएट कर रही थी, बिकॉज इट वाज इन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, उसके चारों तरफ वो लिपटी हुई होती है, तो उसके ऊपर एक एंगल बना देती है, तो जब भी वो रिलैक्स करती है बिकॉज ऑफ द डेफिकेशन प्रोसेस, व्हाट हैपेंस दैट एंगल इज लॉस, तो वो लेस देन 15 डिग्री हो जाता है एंगल, है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट अब एक डायरेक्ट पैसेज मिल जाता है रेक्टम से उस स्टूल्स को इनटू द एनल कैनाल, ओके, तो ये हमेशा याद रखिएगा, प्यूबोरेक्टालिस मसल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंटिनेंस सिलिंग एक्टिविटी, है ना, बस आपको इतना याद रखना है, एनाटॉमी में दे विल टेल यू इन मोर डिटेल्स, ओके, एंड ऑफ कोर्स व्हेनेवर देयर इज डेफिकेशन यू स्ट्रेन, स्ट्रेनिंग ऑफ द, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेनिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल एंड रेक्टल मसल अक्कर, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर के फोर्स की तरह एक्ट करते हैं वो स्ट्रेनिंग प्रोसेस, है ना, तो स्ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट होती है डेफिकेशन में, ओके, तो ये कंटिनेंस अगर आपसे पूछे तो प्यूबोरेक्टालिस मसल का थोड़ा सा कंसेप्ट यू शुड नो बिकॉज इट इज रिटन इन योर फिजियोलॉजी बुक्स, लेकिन और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके फिजियोलॉजी में ही आप जैसे गाइडन के नॉर्म में लिखा हुआ है, समटाइम्स वॉट हैपन देर इज पैराडॉक्सिकल, मान लीजिए कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट डेफिकेशन हो रहा है, तो डेफिकेशन हो रहा है तो वॉट शुड हैपन, प्यूबोरेक्टालिस मसल शुड रिलैक्स ताकि वो एंगल खत्म हो जाए, है ना, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है पैराडॉक्सिकली दो मसल कॉन्ट्रैक्ट रादर देन रिलैक्सिंग, ओके, और उसकी वजह से क्या होता है देर इज पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया, एनिस्मस हो जाता है, सो इट प्रिवेंट्स द एम्प्टीइंग, तो ये एक बस एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्यूबोरेक्टालिस मसल के एक एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड है कि कभी कभी वो रिलैक्स कर जा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है इंस्टेड ऑफ रिलैक्सिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन, एंड इट प्रिवेंट्स द एम्प्टीइंग, बस क्योंकि वो एंगल मेंटेन रहेगा तो डायरेक्ट पैसेज नहीं मिलेगा इस टूल्स को इनटू द एनल कैनाल, ओके, एंड प्रिवेंट द एम्प्टीइंग, तो दिस इज नोन एज पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया और एनिस्मस, ये एक टर्म होता है, लेकिन अगर आपको ये फैंसी टर्म ना याद रहे लेकिन ये कंसेप्ट जरूर याद रहना चाहिए कि नॉर्मली प्यूबोरेक्टालिस मसल शुड रिलैक्स व्हेनेवर देयर इज डेफिकेशन, सो दैट द एंगुलेशन बिटवीन द रेक्टम एंड द एनल कैनाल कम हो जाए और पैसेज बन जाए इस टूल्स को फ्रॉम द रेक्टम इनटू द एनल कैनाल, ओके, तो ये याद रखना है आपको, फिर अब इसके जो है ना कुछ बेसिक हम जो है ना, क्योंकि ये चीजें हम आपको इसके बाद भी बताते रहेंगे, तो जो आज का मेन जो टॉपिक था डेफिकेशन रिफ्लेक्स वो दैट इज ओवर, है ना, अब इसमें कुछ चीजें दो चीजें आपको हम अभी आज बता देते हैं, 5 मिनट्स आई विल टेक मोर, डायरिया, और ये बस इसको हमें बहुत ज्यादा समझाना नहीं है बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर करिकुलम, डायरिया, हेलो हेलो हेलो, तो अब ये हम बेसिक आपको बस दो कंसर्न्स बता रहे हैं, डायरिया डिहाइड्रेशन कुछ, क्योंकि जो आज की बोरिंग क्लास थी वो खत्म हो गई, अब ये छोटे से छोटी छोटी चीजें जो हम जो आपको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ाएंगे उसमें भी ये चीजें आएंगी, तो लेकिन कम से कम यू शुड नो कि डायरिया क्या होता है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डायरिया, डायरिया हमेशा याद रखिएगा उसकी एक बेसिक डेफिनेशन है कि अगर 24 घंटे में 3 या 3 से ज्यादा लूज एंड वाटरी स्टूल्स हो रहे हैं किसी को, तो यू से इट इज डायरिया, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर इट इज नॉट द फ्रीक्वेंसी बट हाउएवर द कंसिस्टेंसी विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना, कि फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन में तो है कि 3 बार या 3 से ज्यादा बार लूज एंड वाटरी स्टूल, अब ये कंसिस्टेंसी है क्योंकि नॉर्मली क्या होते हैं पेस्टी स्टूल्स, मतलब एक स्टूल्स जो होते हैं ना सेमी सॉलिड हुए, है ना, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होने चाहिए, सेमी सॉलिड स्टूल्स हैं, ओके, लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा लूज स्टूल्स हो रहे हैं, पानी जैसे हो रहे हैं, या उनकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है, देन यू से इट इज डायरिया, ओके, सो इट इज द कंसिस्टेंसी विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस डेफिनेशन, सो पैसेज ऑफ लूज और वाटरी स्टूल्स फॉर एटलीस्ट 3 times इन अ डे इन 24 hours, देन द डेफिनेशन इज डायरिया, अब ये क्योंकि कंसिस्टेंसी है, है ना, और उसकी किस तरीके का स्टूल हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड के वो किस वजह से हो सकता है, क्योंकि उसकी इटियोलॉजी मतलब रीजन होंगे उस डायरिया के, तो अगर मान लीजिए किसी को अक्यूट वाटरी डायरिया हो रहा है कि कुछ घंटों में या कुछ दिनों में बहुत जबरदस्त डायरिया हो रहा है एकदम पानी जैसा, देन यू से इट इज अक्यूट वाटरी डायरिया, फॉर एग्जाम्पल कॉलरा में, है ना, अक्यूट वाटरी डायरिया होता है, और अगर मान लीजिए लूज वाटर स्टूल्स हो रहे हैं 3 बार या उससे ज्यादा हो रहे हैं 24 घंटे में, लेकिन उसमें ब्लड भी आ रहा है, ओके,
अगर ब्लड के साथ है लूज वाटरी स्टूल देन यू से इट इज अक्यूट ब्लडी डायरिया, उसको डिसेंट्री बोलते हैं. अगर ब्लड आ रहे हैं साथ में देन यू से इट इज डिसेंट्री. अगर दो हफ्ते या दो हफ्ते से ज्यादा किसी को डायरिया हो रहा है देन इट इज परसिस्टेंट डायरिया. कि दो हफ्ते या दो हफ्ते से ज्यादा किसी को डायरिया हो रहे जा रहा है देन यू से इट इज परसिस्टेंट डायरिया. तो डेफिनेशन में चीजें हैं, है ना. तो यू शुड नो, ये आपकी फिजियोलॉजी किताबों में इस तरीके के टर्म्स हैं, परसिस्टेंट डायरिया, है ना. तो दैट, तो आपको डेफिनेशन बेसिक होनी चाहिए कि दो हफ्ते या दो हफ्ते से ज्यादा परसिस्टेंट. कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी है, डायरिया भी साथ साथ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल मिन मैरसमस एंड कॉशियरफोर, ये आपके दो चीजें आपने बेसिक पढ़ी होंगी, मैरसमस एंड कॉशियरफोर, प्रोटीन एंड एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो उसमें भी डायरिया हो सकता है ना. तो वो भी एक रीजन है. और सिमिलरली अगर मान लीजिए कभी कभी किसी को एकदम से बाउल चेंज, मूवमेंट चेंज हो रहे हैं और साथ साथ में दर्द भी है, एब्डोमिनल पेन भी है और बुखार भी है, फीवर भी है, इसका मतलब जो रीजन है वो किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से है. ओके, सडन चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट विद एब्डोमिनल पेन एंड फीवर, यू से इट इज इन्फेक्टिव कॉज, कोई ना कोई इन्फेक्शन है. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और ब्लड भी आ रहा है तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है. ओके, अगर किसी को पेल ऑफेंसिव स्टूल्स आ रहे हैं जो फ्लोट करते हैं, कभी कभी क्या होता है पानी में तैरने लगते हैं, है ना, तो उसको स्टीटोरिया बोलते हैं, क्योंकि उसमें वो फैट आ रहा है ना, कि फैट का माल अब्सॉर्प्शन हो रहा है या फैट का डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है. सो दोज अनडाइजेस्टेड फैट आर एक्सक्रीटेड इन दी स्टूल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट दोज स्टूल्स स्टार्ट फ्लोटिंग, वो फ्लोटी स्टूल्स बन जाते हैं, पेल स्टूल्स होते हैं, है ना, तो उसको स्टीटोरिया बोलते हैं. ओके, कभी कभी क्या होता है कि फंक्शनल डायरिया है किसी को, कि मान लीजिए कभी कभी सुबह 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 किसी को लगातार दो तीन बार स्टूल्स हुए, है ना, और फिर पूरे दिन में कोई स्टूल नहीं हुआ. ओके, और जब उसने खाना खाया उसी के बाद डेफिकेट किया उसने, और एकदम से उसको अर्जेंसी होने लगी और बहुत ज्यादा एंशियस भी है. तो अगर इस तरीके से किसी में सिम्टम्स आ रहे हैं देन इट इज फंक्शनल डायरिया, है ना, तो फंक्शनल डायरिया कहा जाता है. तो कम से कम कुछ बेसिक रीजंस शुड बी वेरी क्लियर टू यू. इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यही कि डायरिया इज द पैसेज ऑफ द लूज एंड वाटरी स्टूल, तीन या तीन बार से ज्यादा 24 घंटे में, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर पानी जैसा है तो अक्यूट वाटरी है, अगर ब्लड आ रहा है तो डिसेंट्री है, दो हफ्ते से ज्यादा है तो उसको परसिस्टेंट डायरिया बोलते हैं. कम से कम ये तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. अगर इन्फेक्टिव कॉज है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो बुखार भी आएगा, सिंपल सी बात है, पेट में दर्द भी होगा. ओके, अगर फैट का डाइजेशन नहीं सही हुआ है तो फैट स्टूल्स में आ जाएंगे, तो उसको हम स्टीटोरिया बोलते हैं. कम से कम ये चार पांच टर्मिनोलॉजी शुड बी क्लियर है. तो बहुत सारी चीजें जो आपको पांचों साल सिखाई जाएगी, डायरिया इन इटसेल्फ इज अ टॉपिक जो आपको हर साल सिखाया जाएगा. ओके, हर सब्जेक्ट में. तो यहाँ पे टू स्टार्ट विथ, तीन या तीन से ज्यादा 24 घंटे में, कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है, पानी जैसा तो वाटरी डायरिया, ब्लड के साथ तो डिसेंट्री, फैट अगर आ रहा है उसमें तो स्टीटोरिया, बुखार के साथ है तो इन्फेक्शन है, और सिंपल इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो हफ्ते से ज्यादा है तो इट इज परसिस्टेंट डायरिया. ये बेसिक आइडिया यू शुड हैव. अब जैसे हमने आपको बताया कि डायरिया के कुछ रीजंस भी हैं, अब यहाँ पे ऑस्मोटिक इम्बैलेंस या फिर मोटिलिटी बढ़ जाना या फिर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन या एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है, तो ये बेसिक एटियोलॉजी है डायरिया की, पैथोफिजियोलॉजी, इसी में सब कुछ है. ओके, जैसे ऑस्मोटिक डायरिया आप एक फिजियोलॉजी में टर्म पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक डायरिया भी, जैसे कल सर की क्लास थी, एजाज सर की, उन्होंने आपको ऑस्मोसिस बताया, है ना. तो ऑस्मोटिक डायरिया क्या होता है, मान लीजिए कभी कभी आपके अनअब्सॉर्ब सॉल्यूट्स रह गए, तो ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन में मान लीजिए सॉल्यूट्स रह गए, तो उधर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सो इट विल बिकॉज ऑफ दैट द वॉटर विल स्टार्ट फ्लोइंग इन टू द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन, क्योंकि उधर ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई है, सॉल्यूट्स बढ़े हुए हैं, तो उधर पानी की कमी है, तो जो वाटर होगा वो सिक्रेट होने लगेगा, उधर आने लगेगा बाय द एक्टिविटी, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो उधर पानी पानी हो जाएगा एंड देन इट विल बी एक्सक्रीटेड. तो इस तरीके के कंसेप्ट को ऑस्मोटिक डायरिया बोलते हैं. फॉर एग्जांपल लैक्टोज इंटॉलरेंस आपने बहुत सुना होगा. लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है, बहुत सारे लोग मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले पाते बिकॉज दे हैव डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम नोन एज लैक्टेज, व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, है ना. जो डाइजेशन है लैक्टोज का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इंटेस्टिनल एंजाइम है. तो कभी कभी कुछ लोगों में ये एंजाइम की डिफिशियंसी है, तो उसमें क्या है, देयर इज इंडाइजेशन ऑफ लैक्टोज, तो वो जो लैक्टोज है वो उसमें रह जाता है इंटेस्टाइन में, एंड इट एक्ट्स एज अ, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू कॉज ऑस्मोटिक डायरिया. कैसे,
क्योंकि क्योंकि उसमें लैक्टोज रह गया है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो उधर सोल्यूट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, उधर सोल्यूट बढ़ रहा है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, और तो जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू दैट सेगमेंट रिजल्टिंग इन ऑस्मोटिक डायरिया. ओके, सिमिलरली इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन का एक रीजन हम बताएं ईकोलाई. ईकोलाई जो एक बैक्टीरिया है तो वो क्या करता है, इट सिक्रीज टॉक्सिंस, वो कुछ टॉक्सिंस इंक्रीज कर बढ़ाता है. अभी आपको बहुत ज्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं, बस मैंने आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि ई कोलाई है, बैक्टीरिया है, इट विल प्रोड्यूस टॉक्सिंस, और वो टॉक्सिन क्या करते हैं, क्लोराइड चैनल जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इंटेस्टाइन के, उनके सरफेस के ऊपर चैनल्स को खोल देते हैं, उन टॉक्सिन को उन्हीं पे एक्ट करते हैं, सेकेंड मैसेंजर एक्टिविटी है. ओके, और उसकी वजह से क्या होते हैं, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, उसकी वजह से एक्सेस सिक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होने लगता है, और जब एक्सेस सिक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, सॉल्यूट्स होगा, तो पानी भी आएगा. ओके, तो जब है ना, तो और जब ये होगा देयर विल बी एक्सक्रीशन ऑफ दोज इलेक्ट्रोलाइट्स अलोंग विद वाटर, तो उसको हम इन्फेक्टिव डायरिया, एक रीजन हुआ ईकोलाई, हाउ ईकोलाई कॉजेज डायरिया. ओके, एंड ऑलवेज हम पर कोलॉन में जो है ना पोटेशियम का कंटेंट बहुत है, ये हमेशा याद रखिएगा, तो जब भी डायरिया होगा तो विल बी लॉस ऑफ द पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी, है ना, सोडियम भी लॉस होगा, पोटेशियम भी लॉस होगा, और पानी की भी कमी होगी, है ना, तो ये बेसिक यू शुड नो. और जैसे हमने कहा कि पानी भी लॉस होगा एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होंगे, तो अल्टीमेटली द पर्सन विल सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन, है ना, कि अगर वो डिहाइड्रेशन में चला जाएगा. देखिए हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मली स्टूल्स में 5 ml/kg से 200 ml/kg ऑफ द फ्लूइड इज लॉस्ट. ओके, देखिए कोलॉन में पानी एब्जॉर्ब होता है. ओके, तो नॉर्मली, लेकिन थोड़ा सा पानी एक्सक्रीट भी होता है. ओके, बिकॉज इट इज लॉस इन द स्टूल. ये तो ये एक नॉर्मल है कि इतना रेंज जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज्यादा होने लग रही है देन देयर आर चांसेस ऑफ लॉस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, इट विल रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन. ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डायरिया हो रहा है देयर विल लॉस ऑफ द पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी, हाइपोकलीमिया जिसको बोलते हैं. तो अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी से लॉस हो रहे हैं, ओके, सपोज बिकॉज ऑफ डायरिया, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन बट हाउ, तो हम उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, लॉस ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट. एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कितना लॉस हो रहा है, कितना डिहाइड्रेशन है, सिम्टम्स एंड साइंस आएंगे. जैसे अर्ली स्टेज ऑफ डिहाइड्रेशन है तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होगा, तो देयर विल बी नो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, है ना. लेकिन अगर डिहाइड्रेशन बढ़ रहा है कि देयर इज मोर लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, देन देयर विल बी सर्टन साइंस एंड सिम्टम्स इन द पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, उसको प्यास लगने लगेगी, वो थोड़ा रेस्टलेस रहेगा, इरिटेटेड रहेगा, उसकी आईबॉल सनक लगेंगी जिसको सनकन आईज बोलते हैं, और स्किन की टर्गर यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन विल डिक्रीज. ओके, और अगर इन्फेंट है तो उसके फाउंटेन्स क्योंकि अभी बंद नहीं है तो वो सनक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अदर डिहाइड्रेशन हो रहा है. लेकिन अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा सीवियर है तो इंसान शॉक में चला जाएगा. इसका मतलब क्या है, उसका ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाएगा, है ना, स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, तो उसकी जो स्किन होगी वो ठंडी ठंडी रहेगी, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एकदम. ओके, तो जो ब्लड होता है वो सरफेस पे आपकी स्किन के सरफेस की तरफ नहीं रहेगा, एकदम कंस्ट्रिक्टेड वेसल्स में अंदर चला जाएगा नीचे की तरफ, तो स्किन क्या होगी वो कूल लगेगी, है ना, मॉइस्ट एक्सट्रीमिटीज होंगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत कम है तो हाइपोटेंशन उसको बोलते हैं, और जो पल्स होती है वो बहुत तेज होती है ना, जिसको हम वीक एंड वीक रैपिड थ्रेडी पल्स बोलते हैं, रैपिड एंड थ्रेडी पल्स, तो वो सीवियर डिहाइड्रेशन में होता है ना. ये भी आप इसमें परेशान मत होइएगा, ये क्यों होता है, क्योंकि जब आपको ब्लड प्रेशर और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर हार्ट रेट पढ़ाया जाएगा देन यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. जब शॉक पढ़ाया जाएगा यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. यहाँ पे बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिहाइड्रेशन इनिशियली no clinical signs and symptoms, but however as the dehydration increases and the CBRT increases, there will be certain clinical signs and symptoms. इतना कम से कम basic आपको पता होना चाहिए, है ना. तो हम assess भी कर सकते हैं कि एक साथ अगर dehydration early है या थोड़ा dehydration है या बहुत ज्यादा dehydration है, तो depending upon the condition of the patient. जैसे कि थोड़ा सा आपका बिल्कुल भी कम एकदम early dehydration है तो एकदम alert रहेगा patient, लेकिन अगर थोड़ा डिहाइड्रेशन है तो वो रेस्टलेस और इरिटेबल रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा है तो एकदम लेथार्जिक रहेगा, बेहोश सा रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा, थका थका रहेगा, है ना, लेथार्जी रहेगी उसमें.
और अगर कम डिहाइड्रेशन है ना, बिल्कुल भी नहीं का एकदम अर्ली है, तो उसकी आईबॉल संकन नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ेगा संकन आईबॉल होंगी, जिसको हम सिंपल लेमन लैंग्वेज में आंखों के नीचे गड्ढे बोलते हैं, है ना, संकन आईबॉल। और अर्ली डिहाइड्रेशन में वो नॉर्मली पानी पी रहा होगा, क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन क्लिनिकल साइंस नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, तो उसको लगेगा ही नहीं डिहाइड्रेशन हो रहा है, लेकिन हो रहा है, लेकिन इतना नहीं है कि उसको पता चले, तो वो नॉर्मल पानी पी रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ेगा उसका प्यास बढ़ने लगेगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है तो वो अनकॉन्शियस और लेथार्जिक है कि वो पानी भी नहीं पिएगा, है ना। तो ये नहीं है कि सीवियर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा पानी पीने लगेगा वो, क्योंकि लेथार्जिक अनकॉन्शियस है, है ना। और जो स्किन थर्स्ट होगी इलास्टिसिटी, तो जितना ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा इतनी ज्यादा पुअर होगी इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन विल बी लॉस इन डिहाइड्रेशन, है ना। द मोर सीवियर द डिहाइड्रेशन पुअर इज द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन, तो उसको स्किन टारगेट टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे एज यू कैन सी द स्किन टारगेट टेस्ट, एक पिंच करते हैं, है ना, यू टेक द स्किन बिटवीन योर थंब एंड द योर दिस फिंगर, ओके, एंड व्हाट यू डू, यू पिंच द स्किन 1 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाते हैं और फिर उसको रिलीज कर देते हैं। अगर वो एकदम से वापस आ जाए, नॉर्मल हो जाए, तो इसका मतलब स्किन इज इलास्टिक, देयर इज नो डिहाइड्रेशन। लेकिन अगर वो धीरे धीरे नीचे जाए तो इसका मतलब देयर इज सम डिहाइड्रेशन, और बिल्कुल भी नीचे ना जाए, क्रीज पड़ी रहे उधर, तो देयर इज लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन, देयर इज सीवियर डिहाइड्रेशन। तो दिस इज अ स्किन टारगेट टेस्ट, है ना, जो आप लोगों को आगे सिखाया जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, ओल्ड एज में हाथों पे नहीं करते, क्योंकि ऐसे ही उनकी रिंकल्स पड़े होते हैं, तो उनको कहाँ पे करते हैं, जैसे फोरहेड में या फिर चेस्ट में, स्टर्नम पे, तो वहां पे ओल्ड एज में ये ख्याल रखिएगा, है ना, जब आप लोग आगे पढ़ाई करेंगे। ऐसी इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है कॉन्स्टिपेशन, जैसे आपने डायरिया पढ़ा, या डायरिया का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, कोलॉन है तो कोलॉन में पोटेशियम जरूर लॉस होगा, अगर डायरिया होगा तो हाइपोकलीमिया होगा, एंड देयर विल बी डिहाइड्रेशन, आइदर देयर विल बी नो डिहाइड्रेशन, देयर विल बी सम डिहाइड्रेशन, और देयर विल बी सीवियर डिहाइड्रेशन। उसकी वजह से आप साइंस एंड सिम्टम्स एक्सेस कर सकते हैं। और डायरिया क्या है, 3 या 3 से ज्यादा स्टूल 24 घंटे में, या तो एकदम पानी जैसे, या ब्लड के साथ, या इन्फेक्शन के साथ, या परसिस्टेंट मोर देन टीबी, और ऐसी कॉन्स्टिपेशन है साहब, है ना। अगर कॉन्स्टिपेशन क्या है, देयर इज डिफिकल्टी पैसेज ऑफ द स्टूल, और देयर आर पैसेज ऑफ द हार्ड स्टूल, तो उसमें क्या होता है, एक डेफिनेशन होती है कॉन्स्टिपेशन की, बहुत ज्यादा मतलब फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बट हाउ इन बुक्स, इन मेडिकल बुक्स यू विल फाइंड द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा, आई विल टेक ओनली 5 to 6 minutes मोर एंड देन आई विल लीव यू, है ना, क्योंकि ये बेसिक छोटे छोटे पैराग्राफ हैं जो आपको अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो एटलीस्ट यू शुड बी क्लियर अबाउट इट, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, देखिए हमेशा याद रखिए, कॉन्स्टिपेशन में ये जो 4 चीजें मैंने लिखी हुई हैं, है ना, बुलेट्स बना के, इसमें इनमें से 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम कितना, 12 वीक, है ना, ये एक डेफिनेशन होती है। जैसे कि हफ्ते में 3 या 3 से कम स्टूल किसी को हो रहे हैं, कि वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे एक हफ्ते में साथ 3 या 3 से कम स्टूल होते हैं, तो इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन में आता है। और उसको स्ट्रेन करना पड़ता है, कि स्टूल अगर डिफिकेट हो रहे हैं तो वो विदाउट स्ट्रेनिंग आसानी से पास नहीं होते, स्ट्रेनिंग, उसको स्ट्रेन करना पड़ता है, है ना। तो इसका मतलब अगर वो 25% से ज्यादा टाइम पे स्ट्रेन करता है ना, तो इसका मतलब वो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन में आता है। पैसेज ऑफ स्टूल, जब स्टूल आ रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा हार्ड है, देन वो कॉन्स्टिपेटेड है, क्योंकि वो जितना ज्यादा रहेगा कोलॉन में, होल्ड रहेगा स्टूल, देयर विल बी मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी द कंसिस्टेंसी विल बिकम हार्ड, है ना। और स्टूल करने के बाद भी उसको लगता है कि अभी कुछ रह गया, है ना, एक सेंसेशन होता है इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन और एम्प्टींग का, है ना, कि कुछ अभी भी है, तो वो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन में आता है। तो इन चारों में से 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 12 हफ्ते तक अगर पेशेंट आपके पास आता है और वो बताता है कि मुझे एक हफ्ते में 3 से कम स्टूल्स होते हैं, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा, आप पूछें किस तरीके का होता है, वो कहेगा साहब हार्ट से होते हैं, है ना, और ऐसा लगता है कि साहब अभी पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ, तो यू से आप ये डेफिनेशन बनाते हैं कि इसको ये कॉन्स्टिपेशन है, है ना। अब इसके रीजंस हो सकते हैं बहुत सारे, है ना, देयर कैन बी लॉट्स ऑफ रीजन। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे
ये जो डायग्नोसिस है आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यू शुड नो, क्योंकि जीआईटी से भी रिलेटेड है, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ द फाइबर, फाइबर जिसको बोला जाता है सलाद, है ना, जैसे कि लेट्यूस हो गया, फाइबर हो गया, अंकुरित चने जिसको बोलते थे, मतलब फाइबर वाली चीजें कंटेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल, है ना, दे इनफैक्ट द फाइबर इंक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी, तो फाइबर का इंटेक होना बहुत जरूरी है खाने में, हमेशा याद रखिए सैलेड्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है इन बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल एंड ऑल्सो द डेफिकेशन, जो मोटिलिटी ऑफ द कोलॉन है, तो अगर किसी की फाइबर कंटेंट बहुत कम है, हो सकता है उसको कोई बीमारी ना, फाइबर ही ना खाता हो, तो इट विल अफेक्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। और फिर कुछ चीजें हैं, जैसे हो सकता है उसको कोई अबनॉर्मलिटी, कोई बीमारी हो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा हो, या हो सकता है कोई दवाएं ले रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, आयरन दे ऑफन उसका एक साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, हो सकता है उसमें थायराइड की कमी हो बिकॉज, है ना, हो सकता है उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, उसको हर्षपंग डिजीज हो, कंजनाइटल मेगाकोलोन अगर छोटा बच्चा हो, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके मम्मी पापा कंप्लेन ये लेके आ सकते हैं कॉन्स्टिपेटेड है, है ना, तो ये कम से कम कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक दो चीजें एग्जाम्पल के साथ, बस इंपॉर्टेंट चीजें, कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द कॉन्स्टिपेशन, इस पर डायग्नोसिस नहीं आपको बनानी है, एक बेसिक चीज समझनी है कि एक चीज कॉन्स्टिपेशन भी होती है, है ना, तो और एक चीज यहाँ पे अगर मैं कहूँ इतने सारे कॉजेज में एक आपको जो एज अ फर्स्ट ईयर पता होना चाहिए, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ द फाइबर इन द डाइट, ओके। फिर अगर हम समरी पढ़ें कि आज हमने पढ़ा क्या साहब, डेफिकेशन ऑल्सो नोन एज रेक्टो स्फिंक्टरिक, कौन इनिशिएट करता है, गैस्ट्रोकोलिक, रेक्टो स्फिंक्टरिक अपने डेफिकेशन है, डेफिकेशन है तो दो तरीके के हैं, मैंने आपको बताया था एक इंट्रिंसिक माइंट्रिक वाला, एक पैरासिम्पैथेटिक, है ना, अरेस्ट टू डेफिकेशन क्या होता है, अक्सर आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, व्हेन यू विल फील लाइक डेफिकेशन, अर्ज होगी एक, है ना, जब प्रेशर इन द रेक्टम इंक्रीजेस टू 18 मिलीमीटर एचजी, है ना, हेलो हेलो, हाँ, तो इफ द प्रेशर इज 18 मिलीमीटर एचजी देन इन द रेक्टम देन द देयर इज अर्ज टू डेफिकेट, लेकिन अगर 55 मिलीमीटर एचजी से ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा देन देयर विल बी डेफिकेशन। पैरासिम्पैथेटिक आम कौन सा है, S2S4, है ना, और इंट्रिंसिक कौन सा था, मायंट्रिक, पैरासिम्पैथेटिक कौन सा है, S2S4, ओके, और कंटिनेंस कौन मेंटेन करता है, ऑलवेज रिमेंबर द फंक्शन ऑफ द प्यूबोरेक्टालिस मसल, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन के डेफिनेशन और कुछ बेसिक रीजन, है ना, अब कुछ चीजें हैं जैसे गुड टू नो है, अब क्लास खत्म हो चुकी है, बस ये दीज आर दी थिंग्स जो आप लोग धीरे धीरे आगे आगे पढ़ते रहेंगे। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट में because it adds bulk to the food, it plays an important role in maintaining the motility and prevents the constipation, that is why it is very very important to add fiber in the diet, hai na, peristalsis of stomach kahan se shuru hoti hai, fundal region of the stomach se, stomach mein hamesha yaad rakhiyega absorptive function bahut kam hai other than alcohol, alcohol thoda sa absorb hota hai, receptive relaxation kya hota hai, जब dilate करता है एक segment, it accommodates the food without much increase in the pressure, that is called receptive relaxation, ओके, और जैसे आगे पढ़े, हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन, मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा डेफिकेशन हो रहा है, बार 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 बार, हो सकता है हाइपरथायरॉयड हो, तो उसकी क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम और हिस्ट्री से आपको पता चल सकता है। ब्राउन कलर ऑफ स्टूल्स कौन रिस्पॉन्सिबल है, बाइल, इसलिए अगर बाइल की अगर कमी है तो स्टूल्स किस तरीके के होंगे, पेल होंगे, है ना, स्टिटोरिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ फैट इन द स्टूल्स, वो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ द fats and pancreatic juice play an important role in the digestion of the fat. So agar kisi ko pancreatic juice deficiency hai, enzymes ki deficiency hai, to fat ka digestion sahi nahi hoga, to fat stools mein aayenge, they will start floating on the water. So wo stitoria bola jata hai, hai na? To hamesha yaad rakhiyega colon mein hai na, they play a very important role in reabsorption of water. So okay. अगर किसी को कोलॉन रिमूव कर दिया जाए, मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाए कोलॉन का और उधर कोलॉन रिमूव करना पड़े, है ना, सर्जरी की वजह से, तो पानी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो वो पानी जो होगा स्टूल्स में आ जाएगा, तो देयर विल बी लार्ज वॉल्यूम ऑफ द स्टूल्स विच विल बी वेरी लिक्विड, ओके। ऐसी अगर आपसे मैंने न्यूरो ट्रांसमीटर बात बताया, कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए, सब्सटेंस भी इंक्रीजेज द मोटिलिटी ऑफ द गट, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स द मोटिलिटी ऑफ द गट, ये कुछ एमसीक्यूज में आपको अक्सर पूछ लिया जाता है।
और ये आपका लास्ट चीज है असाइनमेंट एंड दी सेल्फ स्टडी, है ना। तो ये जैसे कि इम्पोर्टेंट चीज है जो आज का टॉपिक ही था, डेफिकेशन रिफ्लेक्स क्या है और फिजियोलॉजी ऑफ डेफिकेशन रिफ्लेक्स यू मस्ट बी एबल टू आंसर आफ्टर दिस क्लास, एंड यू मस्ट बी एबल टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। अगर आपसे कोई शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन पे तो आप बता पाए, तो ये असाइनमेंट और सेल्फ स्टडी है। So this ends the class. I'm sorry, I've taken your 9-10 minutes more. So I'm sorry for that. So किसी को कोई सवाल, कोई problem?